Today we will be quickly revising the second book as per our CBSE term 2 syllabus. Whatever is going to come, we are having three chapters. The first chapter is the party system, political party system in our country and how it has evolved over the period of time. If we say that political party and party system, political party, it comes as a group of people who have the same ideology, who had the same philosophies, and they tried to, in the initial period, that is if you move on to 1940s before independence. So at that time it was not as a political party, but rather it was just a group. And later on they became the group of people with the same ideologies, with the same, or you can say with the political positions, and their main aim was to run the government by contesting elections. वैसे तो देर आर थ्री टाइप्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, वन पार्टी, टू पार्टी, मल्टी पार्टी, वेयर वन पार्टी इज लीगली अलाउड टू होल्ड इफेक्टिव पावर, लाइक चाइना, नॉर्थ कोरिया, दीज आर द एग्जाम्पल्स. Yes, the minor parties are there, but they have to be under the dominant parties. आप पार्टी फॉर्म करते हो उसके बावजूद भी यू नीड टू बी अंडर द डोमिनेंट पार्टी. वेयर इज इन अ टू पार्टी सिस्टम वी हैव मेन टू मेजर पार्टीज एज अ डोमिनेंट पार्टी एंड ट्रेडिशनली दे आर द वन हु कम इन द इलेक्शंस, लाइक यूएस. Whereas countries like India has multi-party system. Yani ki there are more than two parties which are representing, there are more than two parties which are contesting for the public office. Australia, Canada, Bangladesh, Pakistan, India, Ireland, UK, they are all the countries where multi-party system is there. But मल्टीपार्टी सिस्टम क्रिएट्स अ केओस. तो हाउ डिड इंडिया कम इन टू मल्टी पार्टी सिस्टम? वॉज इट अ सिस्टम विच वॉज अडॉप्टेड? नो, नॉट एट ऑल. इफ वी लुक इन टू आर बैकड्रॉप, उस वक्त सोशलिस्ट पार्टी विच वॉज फाउंडेड इन 1934, कम्युनिस्ट पार्टी इवन उससे भी पुराना 1925, and later on it broke down to 1964 CPI-M करके. भारतीय जन संघ जो कि आज का भारतीय जनता पार्टी है 1951, and स्वतंत्रता पार्टी was 1959. But for the many first few years it was Congress that was dominant. और तभी हम लोग जो है, एक question आपके paper में आता है कि one party system और हमारे यहाँ पर जैसे Congress party system was dominant, so are they same? तो no. In that system the second party isn't allowed. हमारे यहाँ पर आया ही नहीं था. In that party electoral system is set up in that such a way that the minor parties or the other parties aren't allowed. यहाँ पर क्या है कि due to the dominance, due to the leadership, due to the philosophies, one party was dominant. And Congress, because एक तो Congress का जो backdrop था वो था national movement. हमारा नेशनल मूवमेंट, इट वॉज इंडियन नेशनल कांग्रेस. वी डू नॉट कॉल इट एज अ कांग्रेस पार्टी. जो आज हम देखते हैं वो पार्टी नहीं है. टुडे इट इज अ पॉलिटिकल पार्टी. टुडे इट इज बेस्ड ओनली ऑन द इलेक्शन, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, बट एट दैट टाइम इट वॉज अ नेशनल मूवमेंट. द पीपल वर एसोसिएटेड विद इंडियन नेशनल कांग्रेस. इट वॉज अ वन विच लॉबीड विद द ब्रिटिश
There were number of minor parties or even the difference of opinions, but their main aim was a national movement. तो इसीलिए इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है, व्हेन इट आफ्टर इंडिपेंडेंस व्हेन नेहरू फॉर्म द गवर्नमेंट, इट वाज इंडियन नेशनल कांग्रेस व्हिच वाज अडॉप्टेड एनोनिमसली ड्यू टू फर्स्ट ऑफ ऑल द नेशनल मूवमेंट, सेकेंडली द की लीडर्स एंड थर्ड द कैरिज्मेटिक फिगर ऑफ पंडित जवाहरलाल नेहरू. सो व्हेन द फर्स्ट जनरल इलेक्शंस वर हेल्ड, द रिजल्ट वॉज नॉट सरप्राइजिंग, इट वॉज एंटिसिपेटेड, ये तो सबको पता था. इट वॉज इंडियन नेशनल कांग्रेस हु वन द इलेक्शंस. एंड मतलब अराउंड 364 सीट्स आउट ऑफ 489 सीट्स वर वन बाय इंडियन नेशनल कांग्रेस. यस, इसके बाद अगर किसी पार्टी ने थोड़े बहुत सीट्स लिए थे तो वो था सीपीआई. दो दे हैड ओनली 16 सीट्स, येट अगर हम देखें तो दे वर द वन इन द सेकेंड मेजर. द स्टेट इलेक्शंस हुए तो ऑफ कोर्स देयर आल्सो कांग्रेस हैड बीन द विनर. सो द फर्स्ट इलेक्शन डिड नॉट हैव एनी ग्रेटर चॉइस बिकॉज पीपल वर हैविंग मोर फेथ ऑन द इलेक्टोरल सिस्टम, ऑन द कांग्रेस लीडर्स. एंड दिस इज व्हाट आई सेड कि व्हाई. तो पहले जो तीन इलेक्शन थे, व्हाई वाज द कांग्रेस डोमिनेंट आफ्टर द फर्स्ट थ्री इलेक्शंस, तो दैट इज बिकॉज ऑफ द लेजेसी ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल. इट वाज सीन एज द इनहेरिटर ऑफ द नेशनल मूवमेंट. सेकंड, जवाहरलाल नेहरू वाज द मोस्ट पॉपुलर कैरिज्मेटिक लीडर. ही लेड द कांग्रेस कैंपेन टूवर्ड थ्रू आउट द कंट्री. एंड अब जो कांग्रेस इलेक्शंस भी लड़ रहे थे, दे वर दोज पीपल हु हैड बीन इन द फ्रीडम स्ट्रगल. एंड इट वाज अ वेल ऑर्गेनाइज्ड, यू कैन से अ सोशल, अ पॉलिटिकल, अ रेनबो कोएलिशन. यू कैन इन अनदर वर्ड से कांग्रेस हैड द फर्स्ट ऑफ द ब्लॉक्स. It was a social coalition. It was a rainbow coalition. So, what is a social coalition? मतलब कि Congress as an ideological and social coalition. Social का मतलब हो जाता different culture, different language, different caste. Society social से हमारा वो relate होता है. सो डेफिनेटली वेन इट वॉज अ प्रेशर ग्रुप, 1885 में वेन इट वॉज फॉर्म्ड, इट वॉज अ प्रेशर ग्रुप टू प्रेशराइज द ब्रिटिश. एंड एट दैट टाइम इट कंसिस्टेड ऑफ द न्यूली एजुकेटेड पीपल, द प्रोफेशनल्स, द कमर्शियल क्लासेस. जो हमने 10th में भी नेशनलिज्म, नेशनलिस्ट इन इंडिया में पढ़ा था, नेशनलिज्म इन इंडिया में पढ़ा था. सो दे वॉन्टेड टू हैव अ मास ट्रांसफॉर्मेशन. उसमें इंग्लिश स्पीकिंग रिच, अपर क्लास, अपर मिडिल क्लास, अर्बन एलाइट, देर वर लार्ज सोशल बेस पीपल ओवर देयर. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ रेनबो कोएलिशन. रेनबो का मतलब अलग अलग रंग, यानी कि इट हैड पीपल फ्रॉम द अर्बन ड्यूलर्स, फ्रॉम द विलेजर्स, फ्रॉम द मिडिल क्लास, फ्रॉम द अपर क्लास, फ्रॉम द फाउंडर क्लास, मतलब हर तरीके के लोग, पीजेंट्स, इंडस्ट्रियलिस्ट, विमेन, मेन, हर तरीके के लोग थे. एंड ऑल्सो इट डिड नॉट हैव एन सिंगल आइडियोलॉजी. देर वर पीपल हु वर रेस, मतलब कि रेडिकल्स लाइक जवाहरलाल नेहरू. देर वर पीपल लाइक एक्सट्रीमिस्ट, लाल बालपाल. There were moderates, there were pacifists, there were leftists, there were rightists. मतलब जो जो जिस तरीके से भी करते थे. Moreover, it was an ideological coalition. Difference of ideology existed, but it never ended into a violent, you can say, argument. It was a platform, and that is why Congress had the very good say over
the first three elections. But later on there were period 1970s 60s के बाद आपका क्या हुआ, कांग्रेस हैड स्प्लिट इनटू टू पार्टीज, कांग्रेस का खुद का ही अपना जो है दो पार्टी सिस्टम के अंदर चला गया था. एंड द रीजन वॉज इंदिरा गांधी. इंदिरा गांधी आइडियोलॉजीज एंड दैट बिकेम वन ऑफ द की रीजन की द पीपल विद इन द कांग्रेस टॉवर्ड्स दे वर नॉट इन सपोर्ट ऑफ इंदिरा गांधी व्यूज एंड दैट बिकेम द पार्टीशन विद इन कांग्रेस. कांग्रेस आपका जो है दो सिस्टम के अंदर चला गया, वन कांग्रेस ओ एंड सेकेंड कांग्रेस आर. देन व्हाट हैपेंड, देन ऑफ कोर्स 1971 का जो हमारा एक सिस्टम था, दैट इज व्हेन द इलेक्शन सॉरी व्हेन द वॉर हैपेंड, तो इंदिरा गांधी वाज कंसीडर्ड एज वन ऑफ द आयरन वुमेन एंड शायद इसी वजह से कांग्रेस कुड रिटेन इटसेल्फ फॉर सर्टेन मोर इयर्स. बट इंटरनल पॉलिटिक्स, एक्सटर्नल प्रेशर, देन द वेरी वेरी व्हाट यू कैन से डेंजरस डिकेड ऑफ इमरजेंसी, ये जो चीजें थी दैट हैड लेड टू इंदिरा गांधीज फॉल डाउन. And that was somewhere when Congress started jolting. और उसके बाद जितने भी, even though Congress was there in the power, but उसके जो number of seats थे, that started declining. And many of the people started now forming the opposition parties. पहले हमारे यहाँ पर opposition parties नहीं थे. Yes, the party system was there, but they were not this much opposed. Then, for 1978 se, a short period, Congress could not be in the mainframe. And at that time, Janata Dal and other parties came onto power, but then unke internally they did not have any philosophy. Unka ek hi philosophy tha, that just matlab inka tha save democracy, lekin democracy ko save karne ke bajaye their fight was on a personal ground on Indira Gandhi, aur isiliye they did not have a clear ideology which did not help the coalition government to exist in India. And once again कांग्रेस केम इनटू पावर. देन अगेन कांग्रेस के सामने जो है सबसे बड़ी पार्टी आ गई और वो था आपका बीजेपी. फॉर सर्टेन पीरियड बीजेपी वॉज देयर इन द पावर, देन इट हैड टू रिजाइन, देन इट केम फॉर वन टर्म, फॉर टू टर्म, देन कांग्रेस वॉज देयर टिल 2014. It has won in general elections on 7 occasions and has also led the coalitions. और जो 2014 तक आपका आया था उसमें आपका जो है वो टाइम ऐसा था when we had started off with the alliance parties. यानी कि the smaller parties as well as the regional parties started giving support to the bigger parties like BJP, then आपका left front and Indian National Congress. UPA was the government which was the coalition formed by Congress. They were there till 2014, that is Manmohan Singh ji was there. But after that till now the second largest party, that is BJP jo hai, that has. In fact in 2014 elections Congress had its poorest performance in the general election because they had scored only 44 seats out of 543 seats. That was the poorest performance that they had. So
दिस वे हमारा जो है आया. नाउ इफ वी लुक इन टू एनडीए, हमारा जो सेकेंड आता है वो आता है कि एनडीए क्या था. तो एनडीए हमारा जो है अभी का गवर्नमेंट है, द नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, विच इज हेडेड बाय बीजेपी. बट दो इट इज एन अलायंस, बट बोथ ऑफ द जनरल इलेक्शन हैव बीन क्लियरली वन बाय बीजेपी विदाउट एनी एक्सटर्नल सपोर्ट. दैट अलायंस इज देयर, बट दैट डजेंट इफेक्ट देयर पोजिशन इन द यूनियन गवर्नमेंट. इन फैक्ट देयर डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स हैव कम टू सच एन एक्सटेंट दैट मोर देन 23 स्टेट्स राइट नाउ आर अंडर बीजेपी. और ऐसा एक टाइम था जब कांग्रेस का था. तो यू कैन से दैट देयर हैज बीन अ ड्रास्टिक ट्रांजिशन. दैट वॉज अ कांग्रेस सिस्टम एंड टूडे वी आर हैविंग द बीजेपी सिस्टम. पहले हमारे जो मतलब कि एक प्रॉब्लम आती थी कि ऑपोजिशन पार्टीज वर ओनली कंसिडर्ड एज ऑपोजिशंस, द रीजनल पार्टीज वर डिड नॉट हैव अ से. बट नाउ ओवर द पीरियड ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज हैव नाउ अंडरस्टूड दैट इफ दे हैव टू स्टैंड इन दिस डेमोक्रेसी इन करंट, दे हैव टू एक्सेप्ट टू सर्टेन पॉलिसीज विदाउट एनी ऑब्जेक्शन. लाइक वेन लिबरलाइजेशन वॉज टेकन, देर वर मेनी क्रिटिसिज्म, बट टूडे लिबरलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन इज द फिलोसफी ऑफ मोस्ट ऑफ द पार्टीज. सो दिस इज हाउ द पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम इमर्ज्ड. आपसे क्वेश्चन फ्रॉम द मतलब की बुक के अकॉर्डिंग जो है, यू मे बी आस्ड फाइव फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, यू मे बी आस्ड ऑन इट. देन यू कैन बी आस्ड एक्सप्लेन कांग्रेस एज एन आइडियोलॉजिकल कोएलिशन. देन एनडीए, एनडीए पर तो ज्यादा क्वेश्चन आने के ज्यादा संभावनाएं हैं बिकॉज इट्स अ करंट वन एंड मोस्ट ऑफ द पेपर्स आर फॉर्म्ड अकॉर्डिंग टू देम. देन व्हाट वर द प्रॉब्लम्स दैट द पीपल द इलेक्शन कमीशन हैड फेस्ड ड्यूरिंग द फर्स्ट जनरल इलेक्शन. द फर्स्ट जनरल इलेक्शन वॉज नॉट एन ईजी वन. इंडिया वॉज डिसऑर्गेनाइज. फर्स्ट ऑफ ऑल तो प्रोविंशियल्स एंड प्रिंसली, उनको एक किया. उसके बाद सेकेंड प्रॉब्लम आई, मोस्ट ऑफ द पीपल वर इलिटरेट्स. देयर वर मतलब कि यही माना जाता था कि डेमोक्रेसी जैसी जो चीज़ है, इलेक्शन जैसी जो चीज़ है, दैट कैन बी ओनली सक्सेसफुल इन द रिच कंट्रीज लाइक यूएस. इट वॉज अ चैलेंज. मैनी ऑफ द वुमेन, क्योंकि हमारा जो प्रिंसिपल था यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, तो मैनी ऑफ द वुमेन डिड नॉट हैव एनी प्रूफ. एंड टू मेक अरेंजमेंट फॉर सच अ मैमोथ फंक्शन इवेंट वॉज रियली अ चैलेंज येट. और इसीलिए जो इलेक्शन थे दे वर पोस्टपोन्ड. येट द फर्स्ट इलेक्शन प्रूव्ड ऑल द क्रिटिक्स रॉन्ग. सो दिस यू विल बी हैविंग फ्रॉम दिस. देन यू हैव द टोटल रेवल्यूशन आपके पेपर के अंदर आता है. टोटल रेवल्यूशन, हु हैड डन द टोटल रेवल्यूशन, कौन था वो, उसके ऊपर जो है क्वेश्चन आने के बहुत ज्यादा चांसेस है. ऑल द रेफरेंस मटीरियल्स विच इज देयर इन योर सीबीएसई, वो आप लोग जरूर पढ़ लो बिकॉज दीज विल बी हेल्पिंग यू इन योर पेपर्स. जो भी आपका टोटल रेवोल्यूशन आ गया वो सारा आपका जो है दैट विल कम. टोटल रेवोल्यूशन वॉज प्रोपाउंडेड बाय, कॉइंड बाय जयप्रकाश नारायण. ही इज कॉल्ड एज द फादर ऑफ टोटल रेवोल्यूशन क्योंकि ही बिलोंग टू द आइडियोलॉजी ऑफ मार्क्सिज्म, कार्ल मार्क्स, इक्वालिटी एंड गांधीयन. उनका बेसिक जो था दैट वॉज अ नॉन वायलेंट मेथड, दैट इज वाई गांधीयन हम उनको बोल रहे हैं. एंड टोटल
रेवोल्यूशन विच वॉज पुट बाय जेपी, जिनको हम लोग जयप्रकाश को जेपी बोलते हैं, इट वॉज इन द वेक ऑफ द बिहार मूवमेंट इन पाटना ऑन जून 5, 1974, मतलब इमरजेंसी के बैकड्रॉप में जो हुआ था. एंड ही डिक्लेयर्ड दैट द स्ट्रगल वॉज नॉट गोइंग टू बी लिमिटेड ओनली फॉर द स्टूडेंट्स, इंक्लूडिंग द रेजिग्नेशन ऑफ मिनिस्टर्स और डिसोल्यूशन, बट इट वुड एम ऑन, क्योंकि उस वक्त तो पहले पहला जो ही वॉज नॉट इन द एक्टिव पॉलिटिक्स, ही डिड नॉट वॉन्ट टू, बट वेन देर वॉज प्राइज राइज, स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे थे तो उन्होंने सपोर्ट किया, बट ये जो सपोर्ट था दैट ब्रॉडेंड, और उनका था संपूर्ण क्रांति, मीन्स द अर्जेंट प्रॉब्लम्स ऑफ द कंट्रीज शुड बी सॉल्व इमीडिएटली, दैट शुड बी फाइट अगेंस्ट करप्शन, प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिटेरियन सोशलिज्म, दैट वॉज हिज प्रिंसिपल. ही वॉज द फर्स्ट लीडर जिन्होंने जो है, अन्ना हजारे तो अब है, ही वॉज द फर्स्ट लीडर जिन्होंने थ्री क्री लेयर, कम्युनिटी, रीजन एंड राष्ट्र, कम्युनिटी, रीजन एंड राष्ट्र, ही सेड देयर शुड बी मॉरल, कल्चरल, पॉलिटिकल, एजुकेशनल एंड इकोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन. उनका मोहल्ला का समिति, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स, ऊपर के लोग, मतलब ही वांटेड द अदर अपर कास्ट एंड अदर्स टू जॉइन दिस रेवोल्यूशन. द सेकेंड वन वॉज राम मनोहर लोहिया, द आइडिया ऑफ सोशलिज्म, द पर्सन हु हैड ब्रॉट द आइडिया ऑफ सोशलिज्म. ही गॉट द डेमोक्रेटिक सोशलिज्म इन द इंडियन सोसाइटी. उनका था इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, दैट इज फूड एंड हाउसिंग, एंड नॉन इकोनॉमिक फ्रीडम एंड डेमोक्रेसी. इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव था सबके लिए खाना, सबके लिए रोटी कपड़ा मकान था उस वक्त में, ये दैट वॉज बिकॉज एक मूवी भी बनी थी उस दौरान, बहुत फेमस मूवी थी, अमिताभ बच्चन जी एंड मनोज कुमार. एंड द सेकेंड वन नॉन, मतलब कि नॉन इकोनॉमिक में था डेमोक्रेसी एंड फ्रीडम. ही कॉइन्ड चौबुर्जा राजनीति. चौबुर्जा मतलब भुर्ज, मतलब पिलर, चौ मतलब फोर, फोर पिलर्स ऑफ पॉलिटिक्स, दैट इज ही सेट सेंटर, रीजन, डिस्ट्रिक्ट एंड विलेज शुड बी इंटरलिंक्ड. आज हम फेडरलिज्म पढ़ते हैं, दिस वॉज टोल्ड बाय हिम, और अपने इसके लिए उन्होंने जो है, ही सेड दैट एवरी वन इंक्लूडिंग द डाउन ट्रोडन, वेमेन, नॉन रिलीजियस मिनोरिटीज, ही एडवोकेटेड द सपोर्ट फॉर देम. और उन्होंने जो है पार्टी ऑफ सोशलिज्म को सपोर्ट किया था, जिसमें सिंबल था स्पेड, वोट एंड प्रिज्म. द थर्ड पर्सन हु हैड, क्योंकि हम लोग पॉलिटिकल पार्टी पार्टी सिस्टम पढ़ते हैं, तो इन पार्टी सिस्टम्स में अलग अलग पार्टीज के जो पीछे मिशंस थे, एम्स थे, ऑब्जेक्टिव्स थे, ट्रांसफॉर्मेशन थे, इनमें बहुत सारे लोग ऐसे थे जिन्होंने, मतलब कि दे हैड पुट देयर एफर्ट्स. दीन दयाल उपाध्याय, DDU हम बोलते हैं, एंड इंटीग्रल ह्यूमैनिज्म, हिज प्रिंसिपल वॉज इंटीग्रल ह्यूमैनिज्म. ही वॉज अ फिलोसोफर, सोशोलॉजिस्ट, इकोनॉमिस्ट, पॉलिटिशियन, एंड इसीलिए उनको जो है इंटीग्रल ह्यूमैनिज्म का नाम दिया जाता है, द फिलॉसफी विच ही हैड क्रिएटेड. उनका मानना था एन इंडिजीनियस सोशियो इकोनॉमिक मॉडल, जहां पर हम इंसान को, ह्यूमन जो है,
He should be the development. The development is not on the social ground, on the capital ground. It is on the ground of the human. To ensure that every human being is living a dignified life. It is not about the caste or the religion. It supports the sustainability of the natural resources, but at the same time, individual ki pehle development, and then with that development, the development of the society. And this development should take place not at the cost of ecology. He said primacy not of whole, not of part. Sabka vikas. Supremacy of dharma. Dharam ko sabse upar rakho. And society ko freedom do. Of course, he was against the Western capitalist individualism or Marxism. Unka manna tha ki jo ye Western hai ya socialist hai, ye human body ke need ko to pura kar sakta, materialistic, but it would not be on the basis of the soul. What he called as chitti. So DDU envisaged a classless, casteless and conflict free social system. This may insan jo hai, he should be developed, not the society. So this is party and party system of India. The second is democratic resurgence. उसके अंदर भी ये सारा जयप्रकाश नारायण वाला सारा जो है, but democratic resurgence के अंदर हमने we have already studied जयप्रकाश नारायण, we have already studied the main thing was the backdrop of emergency democratic resurgence में. So what was that? Was emergency an important principle? Should it have been implemented? क्या जरूरत थी इंटरनल इमरजेंसी? तो पहला हमारा था कि इकोनॉमिकली व्हेन 1971 का इलेक्शन हुआ था, दैट वाज द पीरियड व्हेन इंडिया वाज रियली फेसिंग द इकोनॉमिक रिसेशन एंड इंदिरा गांधी हैड प्रोपाउंडेड द थियोरी ऑफ गरीबी हटाओ, बट इंदिरा गांधी intervention into the war had also triggered US to stop all the aids to India. On the other hand, international oil prices jo hai wo zyada the, inflation zyada tha, industrial growth on the other hand was low and unemployment was there. Adding to this were the monsoon. So somewhere you can say that it was not the political causes, it were some causes which were out. Agar hum log bahut dhyan se padhte hain, to definitely Indira Gandhi's vision towards Bangladesh was not wrong. But jab itni sari cheeze thi, jaise abhi bhi we are all facing. Right now we all are not saying anything. Abhi bhi inflation hai. LPG ke daam 1000 rupaye se zyada ja chuke hain. पेट्रोल के प्राइसेस इतने ज़्यादा हैं, गर्मी इतनी ज़्यादा है, बट आर वी नाउ मेकिंग एनी नॉइज? नो, नॉट, वी आर नॉट मेकिंग एनी नॉइज, बट दिस नॉइज वॉज मेड एट दैट टाइम. तो द गवर्नमेंट डिड नॉट हैव, मतलब गवर्नमेंट के पास कॉन्क्रीट कुछ नहीं था. दैट वॉज अ टाइम इन गुजरात द स्टूडेंट्स एजिटेटेड अगेंस्ट द प्राइस इन्फ्लेशन ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज, द करप्शन which was dealt in a wrong manner by imposing president's rule. और उस वक्त में एक टाइम कांग्रेस ओ के जो लीडर थे मोरारजी देसाई, ही ऑल्सो ज्वाइन दिस मूवमेंट एंड दे सेड दैट फ्रेश इलेक्शन शुड बी देयर. फ्रेश इलेक्शन हुए एंड कांग्रेस वॉज डिफीटेड. द सेकेंड वन विच वी हैव ऑलरेडी डन, मतलब की जयप्रकाश नारायण, द सेम थिंग वॉज देयर. मार्च 1974 स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट, सेम फूड स्कैर्सिटी, अनएम्प्लॉयमेंट, करप्शन. दो जयप्रकाश नारायण वॉज नॉट इन एक्टिव पॉलिटिक्स येट,
ही ज्वाइन एंड दिस मूवमेंट स्प्रेड टू मेनी पार्ट्स ऑफ इंडिया. बिहार गवर्नमेंट जो है उन्होंने रिफ्यूज किया टू रिजाइन. दिस वॉज हाउ अ नॉन कांग्रेस ऑपोजिशन पार्टीज जो थे दे ऑल ज्वाइन देम, जिसके अंदर बीजेपी था, कांग्रेस ओ था, भारतीय लोक दल था, सोशलिस्ट पार्टी था एंड मेनी पीपल वर इन्वॉल्व. यानी कि एक तरफ गवर्नमेंट जिसको पीछे से थोड़ा बहुत सपोर्ट मिल रहा था सीपीआई का, बाकी पूरे के पूरे सामने. एडेड टू द केओस वाज द रेलवे स्ट्राइक हेल्ड बाय जॉर्ज फर्नांडिस डिमांडिंग द बोनस एंड सर्विस कंडीशन. 2-17 दिन रहा लेकिन इस स्ट्राइक को इलीगल डिक्लेयर कर दिया गया एंड मेनी पीपल वर अरेस्टेड एंड देन देर वॉज नो सिट. ये एक और प्रॉब्लम थी. ऑन द अदर हैंड देर वर नैक्सलिस्ट मूवमेंट ओवर देयर अंडर चारू मजुमदार. ये सारे के सारे जो प्रॉब्लम्स थी दैट वॉज क्रिएटिंग अनरेस्ट इन द कंट्री एट दैट टाइम. देर वॉज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और यू कैन से अ वर्स्ट कंडीशन कंफ्लिक्ट विद द जुडिशरी. पार्लियामेंट कैन नॉट चेंज. हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है इट हैज बीन मेड इन सच अ मैनर that the parliament alone cannot change any decisions. The question was, can parliament abridge the fundamental rights? Can parliament curtail the right to property? But unhone kaha that it can abridge the fundamental right to give directive principle of state policy ko matlab ki effect dene ke. That is called as the Keshav Nanda Bharati case. Now, the second problem was judiciary ke under it is a scheme that the Chief Justice cannot be elected anonymously. Sabse pehla jo aapka sabse senior hota hai, unko appoint kiya jata. But the Congress government jo hai, usne us प्रोसीजर को ओवर रूल करते हुए एक जूनियर को अपॉइंट किया. एट दैट पीरियड अ पर्सन कॉल्ड राज नारायण हैड पुट द कंफ्लिक्ट ऑन व्हाट वी कॉल एज कोड ऑफ कंडक्ट ऑन इंदिरा गांधी दैट शी हैड मिसयूज्ड द सर्विसेज ऑफ गवर्नमेंट इन हर इलेक्शन कैंपेन. और इस वजह से अलाहाबाद कोर्ट ने उनकी जो इलेक्शन है उसको इनवैलिड बोल दिया. बट लेटर ऑन शी वॉज गिवन अ बेल बट यस शी कुड नॉट टेक पार्टिसिपेशन. एक तरफ जवाब मतलब कि मारामारी चल रही थी, दूसरी तरफ जुडिशरी के साथ झगड़ा चल रहा था, तीसरी तरफ उनका इनवैलिड हो गया. सो नेशन वाइड देयर वॉज वन सत्याग्रह कॉल्ड हर रिजिग्नेशन. They asked the army, the police and government employees not to obey any illegal or immoral duty. There was supposed to be a very big movement in Ram Leela ground. Lekin usse pehle kuch hota, government on the ground of threats to internal disturbances. प्राइम मिनिस्टर ने रात को प्रेसिडेंट फखरुद्दीन अली अहमद को जो है अंडर आर्टिकल 352 स्टेट मतलब की इमरजेंसी ऑन द ग्राउंड ऑफ इंटरनल डिस्टर्बेंसेस इम्पोज कर दी. इम्पोज करते ही जितने इलेक्ट्रिसिटी टू द न्यूज़पेपर ऑफिस था सबको बंद कर दिया. मेनी ऑफ द लीडर्स वर अरेस्टेड ऑन द ग्राउंड ऑफ डिटेंशन प्रिवेंशन डिटेंशन एंड कैबिनेट को मॉर्निंग में बताया गया एंड द स्पेशल पावर वर गिवन टू द सेंट्रल गवर्नमेंट जिसके अंदर सिविल राइट्स आपके खत्म हो गए एंड यूनिटरी गवर्नमेंट था. दिस वॉज द इम्पोज ऑफ नेशनल इमरजेंसी. द स्ट्राइक्स
opposition leaders, press censorship, RSS and Jamaat-e-Islami, इनको आर्टिकल 32 के अंडर राइट फंडामेंटल राइट्स, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया गया दैट इलेक्शन ऑफ प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट कुड नॉट बी चैलेंज इन द कोर्ट, एंड 42nd अमेंडमेंट दैट इज लोकसभा का टेन्योर 5 to 6 कर दिया. लुकिंग एट दिस मेनी ऑफ द लीडर्स हैड गॉन अंडरग्राउंड. आज जो बीजेपी के इतने सारे लीडर्स हैं, दे ऑल वर देयर एट दैट टाइम टी. Many underground pamphlets were there. Many of the people returned their Padma Shri awards. Magazines जो थे, कुछ magazines ने close down किया था, कुछ जैसे Indian Express या Statement थे, उन्होंने blank spaces रख दिए. कुछ लोगों का supporters of government कहते हैं that it was important to impose the emergency to have the control. But oppositions कहते हैं कि there was no need, it could have been solved through the constitutional mechanism, but ये तो सिर्फ इंदिरा गांधी ने self interest अपने power को save करने के लिए किया था. There were many atrocities during that period. बहुत सारे थे. हाँ, government ने 20-point program किया था, land reform किया था, land distribution किया था, देन बॉन्डेड लेबर को हटाया था, बट ऑन द अदर साइड संजय गांधी, हु वॉज नॉट होल्डिंग एनी पोजिशन, उन्होंने जो है मास, आप कह सकते हो कि ही हैड, मतलब कि ही हैड पार्टिसिपेटेड, ही हैड यूज्ड हिज आर्बिट्री पावर इन द फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम. दिस टॉट अस अ लेसन that it is absolute impossible to do away with democracy in India. मतलब फिर भी democracy को कोई problem नहीं आई. Emergency ने हमारे यहाँ पर एक question किया कि मतलब constitution में there was no clarity. That question came. Importance of civil liberties, rethinking, autonomy of police administration. This we learned. And after emergency was lifted, elections हुए. Definitely elections जो थे that did not support the Congress. जनता पार्टी जो था that came. So in this manner, एक democratic resurgence से we had got this. Now, second हमारा जो democratic था, we have already done. The third one was the era of LPG. Why we call it as democratic resurgence? As I told you, ki it represents a competitive electoral market, not on the basis of survival for best, but survival for the abyss. That was on the basis of economy, society, and policy. It was not on the political power, but it was a transition from state to market, from government to governance, from state as controller to state as facilitator. Matlab pehle state control karta tha, government control karti thi, but LPG, liberalization, privatization and globalization said the state is not a controller, it is a facilitator, it will help the market to grow. In this, the youth were also called off, and it became an electoral politics for everyone. Haan, shuru mein, as I said, many people did not like it, but anonymously, dheere dheere, the people understood that it is not easy to get away today from the markets. और आज भी अगर हम लोग कहें तो हमारी जो कंट्री का जो सिस्टम है वो मार्केट ओरिएंटेड है, नॉट इट इज गवर्नमेंट कंट्रोल ओरिएंटेड. पहले इट वाज मोर ऑन टू, आज अगर आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को लेना चाहते हो तो दे वुड बी आस्किंग यू, वो आपसे पूछेंगे, तो आपका सबसे पहला जो खुद से क्वेश्चन होगा कि वेदर दे आर गोइंग टू हेल्प अस इन द डेवलपमेंट, वेदर दे आर गोइंग टू हेल्प अस इन कैरिंग आउट ऑल दीज रिफॉर्म्स विच हैव बीन देयर. The businessman will think on their ground, the middle class will think on their ground, the upper class will think on their ground, everyone will think on that ground.
हाउ मच सपोर्ट वी आर गोइंग टू गेट. सो दैट इज वाई जो हमारा चेंज था ऑफ द इकोनॉमिक पॉलिसीज दैट वॉज कॉल्ड एज द थर्ड डेमोक्रेटिक रिसर्जेंस. द लास्ट चैप्टर इज इंडियन पॉलिटिक्स ट्रेंड्स एंड डेवलपमेंट्स. जो हमारा लास्ट है वो है इंडियन पॉलिटिक्स में अभी हमारा जो है ट्रेंड्स एंड डेवलपमेंट क्या है. एवरीथिंग विच यू आर विटनेसिंग टूडे, यस, जो एक महीने पहले तक था वो वहां से आपके पेपर में कुछ भी आ सकता है, बट नॉट बियॉन्ड दैट. दिस विल इंक्लूड द टॉपिक्स ऑफ कोएलिशन, UPA, NDA 1, 2, 3, 4, and the Kashmir issue. In this chapter, you will be having era of coalition, then the alliance UPA and NDA, and the subunit that is the Kashmir issue. When we say era of coalition, तो सबसे पहला हमारा आता है 1989, मतलब that was the period. उससे पहले हमारे alliances थे, but era of coalition is said to be the period of 1890s onward. Even this was there in our 10th standard also. 1989 में जो elections हुए थे उसके अंदर Congress party जो है that was defeated. But at the same time, Congress was defeated, but no other party had the majority also. Congress was the largest party, but without any clear majority. And that is why they decided to sit in the opposition. Now, the National Front, which was the alliance of Janata Dal and some other regional parties, they got the support of BJP and Left Front. Ab BJP ko ne support kyun mila tha? To keep Congress out of the office. Support was not given to rule the government, support was to keep Congress out of the office. So that was there. On this basis, the National Front formed the coalition government. बट उन्होंने गवर्नमेंट को, बीजेपी को बाहर से सपोर्ट किया, बट नॉट एज अ गवर्नमेंट. आफ्टर 1989 ऐसा कई बार होता रहा, इमर्जेंस ऑफ सेवरल पार्टीज केम अप एंड दे डिड नॉट गेट अ क्लियर मेजॉरिटी. सो दिस वॉज अ टाइम व्हेन कोएलिशन जो है दैट स्टार्टेड, बट कोएलिशन वॉज नॉट एट ऑल अ सक्सेस इन अवर कंट्री. The reason is, when there is coalition, definitely there are conditions. And when there are conditions, and if other person is not able to fulfill, so there is always a fear of losing. Ya to ruling government ko dar ke mare unki har galat maang ko pura karna padega, ya fir they will not be getting the support. And that is why the era shifted from coalition to alliance politics. Coalition hota when the results have been declared and then the parties are forming into alliance. Whereas alliance politics aapka hota hai jahan par aapka jo hai pehle se hi jo large party hai, they are given the external supports of regional and minor parties. Hamare yahan par we have NDA and UPA सबसे बड़ा है, क्योंकि पहले नेशनल फ्रंट आया था तो बीजेपी ने सपोर्ट किया था, सेकेंड बार आया था तो यूनाइटेड फ्रंट आया था तो कांग्रेस ने सपोर्ट किया था. बट बोथ ऑफ दीज पार्टीज जो थी दे वर ओनली टू कीप बीजेपी एंड कांग्रेस आउट ऑफ द पावर. एंड दैट इज हाउ 1998 में आपका NDA फॉर्म हुआ विथ बीजेपी, समता पार्टी, AIADMK, शिवसेना. ऑन द अदर हैंड यूपीए केम अप,
उनके भी आपके जो है दे आर ऑलरेडी हैविंग द नेशनल कांग्रेस पार्टी सीपीआई सीपीआईएम एंड इन दिस मैनर टू लार्ज अलायंस हैव कम इनटू आवर कंट्री. बट व्हाट हैड हैपन्ड अगर हम लोग कहते हैं कि एनडीए आया यूपीए आया तो क्या बैकड्रॉप था, व्हाट वाज द प्रॉब्लम, क्यों ऐसा हुआ था. तो लेट अस गो बैक टू द कांग्रेस 89 सेशन. एज आई सेड इन 89 कांग्रेस वाज डिफीटेड विद 197. इट केम इन 1991 क्योंकि दो ही साल आपका जो है कोलिशन गवर्नमेंट चला था. दैट वाज द टाइम व्हेन इंडिया वाज मूविंग थ्रू सेवरल डेवलपमेंट्स. वन वाज द मंडल कमीशन. मंडल इश्यू जो था बहुत पहले से चल रहा था एंड इट वाज सेट. मंडल कमीशन फॉर्म हुआ था अंडर बीपी मंडल टू गिव रिजर्वेशन 27% रिजर्वेशन इन द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर द ओबीसीज. ऑन द अदर हैंड इट आल्सो लेड टू द एंटी मंडल प्रपोज. देयर वाज अ डिस्प्यूट एंड अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट गेव द सपोर्ट टू द मंडल कमीशन. बट उन्होंने कहा जो क्रीमी लेयर्स होंगे दे वुड बी एग्जाम्प्टेड. द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स विच वी हैव ऑलरेडी डन. देन बिगनिंग ऑफ कम्युनलिज्म. अयोध्या जो आपका डिस्प्यूट था वन ऑफ द वेरी ग्रेट. और अभी मुझे लगता है ऐसे बड़े सारे आने वाले हैं. हर मॉस्क को हटाने की कोशिश की जा रही है. Now yesterday they have said that they have to remove the mosque from Mathura. And Ayodhya ke andar it is said that the place where Babri Masjid is built is also related to Indian tradition. And this event symbolized, triggered a greater politics. क्योंकि बहुत सारे लोगों ने इसे बीजेपी के हिंदुत्व से रिलेट किया. And that led to the demolition, that led to the communal violence in the country. The assassination of Indira Gandhi, again it led to the communal. Then assassination of Rajiv Gandhi, which was linked to Sri Lankan LTTE. So, इसी वजह से शायद 1991 में कांग्रेस जो है इट केम एज अ सिंपैथेटिक वोट के कारण, शायद सिंपैथी वोट के कारण जो है इट केम एज अ रूलिंग पार्टी विथ पीवी नरसिम्हा राव एज अ प्राइम मिनिस्टर. सो दीज वर द बैकड्रॉप्स. बट आफ्टर 2014 हालांकि वी हैव यूपीए 1 यूपीए 2 बट एनडीए जो है इट हैज इमर्ज्ड एज वन ऑफ द की पार्टीज. मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि जो एनडीए है दो इट इज देयर बट बीजेपी इटसेल्फ इज इन द रूलिंग विद मेजॉरिटी. दे डोंट राइट नाउ नीड एंड बोथ ऑफ दिस एनडीए 1 एनडीए सॉरी एनडीए 3 एंड एनडीए 4 जो है दे हैव गॉट मेनी योजना जिसके अंदर प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना स्वच्छ भारत अभियान जनधन योजना दीनदयाल ग्राम ज्योति योजना किसान फसल बीमा योजना बेटी बचाओ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आयुष्मान भारत सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास. अंडर ऑल दीज स्लोगन्स the administration, rural household, women empowerment, education, Ayushman Bharat ke under health system, in sabko jo hai impetus importance diya gaya hai, which is also leading to the success of NDA 3 and NDA in the even the state elections. On the other hand, the Kashmir issue, which was Kashmir was not part of India. Under the Article 370, जहां पर there were special powers to the Kashmirs, that means any person living in any other Indian Union cannot buy property in Kashmir, whereas they had the reservation here. But later on,
अभी द गवर्नमेंट हैड रिवोक्ड, उसको हटा दिया एंड कश्मीर इज नाउ पार्ट ऑफ इंडियन यूनियन, दो दे हैव डिवाइडेड इट इंटू टू राइट नाउ. जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख हैज बीन सेपरेटेड एज अ यूनियन, येट दैट जो पहले प्रॉब्लम था उसको खत्म किया गया है. सो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एरिया. NDA 3 के अंदर आपका जो है बीजेपी लेड कोअलिशन, इट इज अ नेशनल पार्टी विद, इट इज इनफैक्ट कॉल्ड एज अ सरप्लस मेजर मेजोरिटी कोअलिशन, क्योंकि देर इज नो नीड ऑफ दैट मेजोरिटी जो उनके पास है. एंड अगेन NDA 4, जिसमें 350 सीट्स हैड बीन वन बाय बीजेपी, 303 सीट्स वर वन बाय बीजेपी अलोन. एंड दैट इज आई हैड ऑलरेडी सेड, पहले हमारा कांग्रेस सिस्टम था, नाउ इट इज द बीजेपी सिस्टम कॉल्ड, क्योंकि फॉर द पास्ट 8 ईयर्स कॉन्टिन्यूसली, 5 + 3 8 ईयर्स जो है, दिस एनडीए का जो है इट हैज बीन इन सक्सेस. सो इसमें आपका क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज द ग्रोइंग इमर्जेंस ऑफ न्यू कंसेंशंस. मतलब पहले मैंने भी आपको जब डेमोक्रेटिक रिसर्जेंस में बताया था, वी हैड एलपीजी, तो नाउ द पॉलिटिकल पार्टीज आर सपोर्टिंग एज इट इज डीप डेमोक्रेटिक रिसर्जेंस. तो नाउ द डेमोक्रेटिक द पॉलिटिकल पार्टीज आर टेकिंग इट एज एन, मतलब कि इंडिया को इकोनॉमिक पावर बनाने के लिए दे आर ऑल सपोर्टिंग, दो दे क्रिटिसाइज बट नाउ दे आर सपोर्टिंग. सेकेंडली, पहले आपके बैकवर्ड, जो कि आपके बैकवर्ड क्लासेस थे पॉलिटिकल, दे वर नॉट इन द फोर फ्रंट, बट नाउ द पॉलिटिकल पार्टीज अंडरस्टैंड द क्लेम्स ऑफ द ब्लैकवर्ड कास्ट एंड नीड टू बी एक्सेप्टेड. नाउ दे आर ऑल्सो एक्सेप्टिंग द रिजर्वेशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस इन एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट. दे आर ऑल्सो विलिंग टू एंश्योर दैट द ओबीसीज गेट द शेयर ऑफ पावर. थर्ड, द स्टेट लेवल पार्टीज, पहले स्टेट लेवल रीजनल लेवल अलग होता था, बट नाउ दे हैव स्टार्टेड शेयरिंग द पावर्स. फोर्थ, मोर प्रैग्मेटिक, मोर प्रैक्टिकल, इट इज नाउ विदाउट एनी आइडियोलॉजिकल एग्रीमेंट्स. नाउ दिस इज पावर शेयरिंग अरेंजमेंट, ना कि आइडियोलॉजी. पहले आपका जो कांग्रेस था दैट वॉज एन आइडियोलॉजी. जैसे इवन दोज हु आर विद इन एनडीए, जो एनडीए में है वो लोग हिंदुत्व को नहीं मानते, येट दे हैव कम टूगेदर टू फॉर्म अ गवर्नमेंट. नाउ दे आर नॉट ऑन टू द आइडियोलॉजी बट दे आर ऑन टू द पॉलिटिकल पावर शेयरिंग. So this is how there have been changes in our politics in the recent trends. Like aapka Dalit ka upar aana, BAMSEF, that is Backward and Minority Class Employee Federation, Dalit Shoshit Samaj Sangharsh Samiti, BSP, this came which has got its support in Punjab, Haryana and Uttar Pradesh. So in this manner, द बैकवर्ड क्लासेस, देन द आइडियोलॉजिकल जो पहले प्रिंसिपल्स थे, दे हैव बीन नाउ टेकन विद अ प्रैग्मेटिक, यानी कि प्रैक्टिकली जो पॉसिबल है उसको लेना. ये सब जो है द रीसेंट प्रेजेंट है. एंड अभी जो बीजेपी गवर्नमेंट है, इट इज मेकिंग मेनी अरेंजमेंट्स, देर आर मेनी स्कीम्स विच इज एमिंग एट द कोर लेवल ऑफ इंडियाज डेवलपमेंट. It should go to the ground level. That is what they want. So this is Indian politics, the recent development and trends. Right?